स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फूडी पर। आमतौर पर काले चने को सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। काले चने सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं, इसलिए कई लोग काले चने को पानी में भी भिगोकर सुबह सुबह खाना पसंद करते हैं। आपने काले चने की एक नहीं बल्कि कई बार सब्जी बनाई होगी, लेकिन अगर आप काले चने के साथ कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो फिर आप सूप ट्राई कर सकते हैं। काले चने से बने सूप को एक बार ट्राई करने के बाद यकीनन आप दूसरे सूप को भूल जाएंगे। तो चलिए इसे बनाने का तरीका आपको बता देती हूँ। काले चने का सूप बनाना बेहद ही आसान है। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले काले चने को 2 से 3 कप पानी में डालकर अच्छे से उबाल लीजिए। चने उबालने के बाद उसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। जब चना ठंडा हो जाए तो पानी को अलग कर लें। इस बीच आपको बता दें कि चने का पानी आपको फेंकना नहीं है। इसके बाद उबले चने में से 1 से 2 चम्मच चने को अलग रख दें और बाकी चने को मिक्सी में डालें। इसके बाद मिक्सी में उबले चने का पानी डालकर अच्छे से पीस लीजिए और बर्तन में निकाल लीजिए। इसके बाद एक पैन में घी या तेल डालकर गर्म करें। जब पैन गर्म हो जाए तो उसमें जीरा, हींग, काली मिर्च और नमक डालकर कुछ देर के लिए भून लीजिए। इसके बाद इसमें चने का पेस्ट डालकर कुछ देर पका लें। लगभग 5 मिनट पकाने के बाद गैस को बंद कर दें और नींबू का रस और धनिया पत्ता डालकर सर्व करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसे ही और शानदार रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल फूडी। धन्यवाद।